हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा हम कैसे अपने एलर्जी सिम्टम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा टी रेगुलेटरी सेल्स के बारे में। ये टी रेगुलेटरी सेल्स होते क्या हैं? ये टी रेगुलेटरी सेल्स हमारी बॉडी में ही इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। ये टी रेगुलेटरी सेल्स क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में जितने भी ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर्स होते हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एलर्जीज़ को प्रिवेंट करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी एलर्जीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो है प्रोबायोटिक्स। हमें प्रोबायोटिक्स की टैबलेट्स लेनी चाहिए दिन में 2 बार, या तो सुबह को या तो रात को सोने से पहले। दूसरा तरीका है लीफी वेजिटेबल्स। हमको लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, और वो भी स्पेशली कच्चियाँ यानी कि रॉ। तीसरा तरीका है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए, जिसमें कि हमें अगर आपको शाम को अपने 5 बजे तक खाना खा लिया है तो उसके बाद आप सुबह 10-11 बजे खाना खाएं, जिससे क्या होगा कि 16 से 20 घंटे का आपको फास्टिंग मिलेगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने टी सेल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जिससे क्या होगा आप अपनी एलर्जीज़ के सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकते। और आखिरी तरीका है विटामिन डी। हमें विटामिन डी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। हमें कम से कम दिन में 2 बार टैबलेट्स लेनी चाहिए 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की।